चलिए फिर आज हम सग्गा प्याज वाला कचरी बनाते हैं। इसके लिए हमें चना का दाल को पीस लेते हैं। इस पे आप मूंग का दाल का भी पीस कर बना सकते हैं। और इसमें मैंने सग्गा प्याज डाला, नमक, हल्दी, थोड़ा सा बिरयानी मसाला। आप जितना नमक खाते हैं उस अनुसार अपना टेस्ट के अनुसार डालिए। थोड़ा सा इसमें मैंने हरा मिर्च डाली हूँ, वो आप जितना तीखा खाती हूँ उतना तीखा डालिए। और इसमें मैं और इसको साड़ी को मैं सान लूँगी। आप इसका सब्जी भी बना सकते हैं और गर्म चाय के साथ तो ये लाजवाब लगता है। नमक पहले आप चखकर ही बनाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी नमक का टेस्ट कम जाता है तो इसका आप जो तेल खाते हैं उसमें आप डालिए बनाइए। इसमें आप हरा चना भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। इस तरह से तेल गर्म हो गया है, इस तरह से साड़ी को थोड़ा सा और तेल गर्म होता है, इस तरह से साड़ी को डालकर फ्राई कर लीजिए। टमाटो सॉस के साथ, चटनी के साथ, धनिया का चटनी के साथ, पुदीना और आंवले का चटनी के साथ खाइए। और हरा हरा सगा प्याज का कचरी का आनंद उठाइए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आप बंदा भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। इसी तरह से उलट पलट के ये बहुत जल्दी बन जाता है। एक तरफ चाय और एक तरफ ये सब तैयार, लेकिन सारा चीज़ आप तैयार करके रख दीजिए। उसके बाद एक तरफ चाय, एक तरफ कढ़ाई, दोनों तरफ चढ़ा दीजिए और चाय और पकौड़ी के लुत्फ़ उठाइए। जितना देर चाय बनने में लगता है उतना देर में पकौड़ी भी तैयार हो जाता है। ये मेरा बगिया का है सग्गा प्याज। मैं रात में चना का दाल भिगो कर डाल दी थी, अब बेसन को भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें आलू का कद्दूकस करके और इसको दो तीन पानी से धोकर आलू को और इसमें डाल दीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। प्यारे लग रहे हैं। चलिए बन के तैयार हो गए। इतना इको पूरे बनते हैं ना फिर, और बहुत
देर तक, 1-2 घंटा तक लाई आराम से रह जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। चलिए इसको हम निकालते हैं। निकालने के दौरान गैस को हम स्लो कर देंगे और अपने सारे पकौड़े को निकाल लेंगे। इसको ऐसा भी है कि ज़्यादा बन जाता है, मैं ढेर सारा बना लेती हूँ, तो इसका सब्जी भी बना सकते आप, चावल और कचरी। कचरी कोफ्ता खा बनाकर आराम से इसको खाइए, चावल और कचरी कोफ्ता एक नंबर लगता है। कितना प्यारा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है।